नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत मोर हिजोग्राफी ओडिया यूट्यूब चैनल को आम आरंभ करथिले सप्तम श्रेणीर वायुमंडल विषय को। तो जदि आपण माने प्रीवियस वीडियो को देखा चाहूँगी तेबे आम डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि आपण देखि परिबे। तो आज वीडियो रे आम कौन पढ़ा टिके जाने फर्स्ट रही सागर जलर संचलन, सेकेंड रे समुद्र जलर संचलन, थर्ड रे तरंग, फोर्थ रे जुआर और भट्टा। प्रथमे आम आलोचना करिबा सागर जलर संचलन। केबे समुद्र जल को चाखिछंती कि ताहा बहुत लुणिया बा खार होइथाय आमे समस्ते जानिछंती। तो एही समुद्र पाणी कोन पई एते लुणिया, समुद्र को ए लुण केउठी आसुछि, एमिति के प्रश्न मन को केबे ना केबे आसीथिबो। तो चलंतु जानिबा समुद्र जलर संचलन एवं एहार लवणता बा खार विषय रे। सागर और महासागर रे अनेक गुड़िए नदी आसी पड़िछंती। नदीटी प्रवाहित होउथिबा बेले अनेक पथ दे अंका बंका कतिरे प्रवाहित होइथाय। तो सेते बेले अनेक खनिज पदार्थ सह बाली, पटु, गोड़ी इत्यादि मिसी थाय ओ बोही नहीं आनी एगुड़िक शेषे समुद्र जल में पकड़ बा मिसी थाए। यह समस्त जिनिष समुद्र रे संचित हो रहे फल जलर लवणता बढ़ी थाए। से ही खनिज पदार्थ गुड़िक मध्यरे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट आदि प्रधान। समुद्र जल में सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड मात्रा अधिक ओ एहार लवणता मध्य अधिक होइथाय। एही सोडियम क्लोराइड होउछि आमर खाइबा लुण जोडा कि आमे सबदिने खाइबारे व्यवहार करुछंती। समुद्र जलर लवणता पृथ्वीर सबु अंचल रे समान नुहे। साधारणतः क्रांतीय ओ उपक्रांतीय अंचल माने ट्रॉपिक एरियार उष्ममंडल अंतर्गत सागर महासागर जलर लवणता अधिक, कारण क्रांतीय अंचल रे सूर्य किरण अधिक पड़े फल जल अधिक बाष्पीभवन होइथाय एवं रासायनिक पदार्थ गुड़िक क्रमान्वय जमा होइ चले जहाँ फल लवणता अधिक। किंतु उभय मेरु अंचल जो समुद्र रही जलर लवणता बहुत कम होइथाय सेठारे, कारण मेरु अंचल सूर्य किरण प्रखर भाव पड़ न थाए जहाँ फल जल कम बाष्पीभूत होइथाय। जलर परिमाण अधिक रही लवणता मध्य कम होइथाय। समुद्र जलर तापमात्रा मध्य पृथ्वीर सबु अंचल समान न थाए। साधारणतः निरक्ष अंचल मेरु अंचल आड़कु महासागर जलर उष्मता क्रमशः ह्रास पाइथाय। विषुव अंचल महासागर जलर तापमात्रा 25 डिग्री सेल्सियस रु अधिक थिबा बेले मेरु अंचल प्राय 0 डिग्री सेल्सियस होइथाय। वर्तमान आमे पढ़िबा समुद्र जलर संचालन। भूपृष्ठर विभिन्न अंचलर महासागर और सागर जलर तापमात्रा रे असमान देखा जाए। लवणतार पार्थक्य तथा असमान बाष्पीभवन आदि कारण ताहा चलनशील होइथाय। यह छड़ा वायु प्रवाह मध्य समुद्र जलर स्थानांतर प्रक्रिया रे सहाय्य करिथाय। सागर महासागर जल सदा सर्वदा अस्थिर। समुद्र जलर एही अस्थिरता साधारणत तीन प्रकार रो। तो से गुड़ी हेउछि तरंग, जुआर और सामुद्रिक स्रोत। तो प्रथमे आमे तरंग विषय जानिबा। समुद्र जलर पृष्ठभाग समान नुहे, एहा क्रमान्वय उच्च नीच हो रही थिबार देखा जाए। समुद्र जलर पृष्ठभाग असमान बा उच्च नीच काहिके होइछि केबे भाबिच कि प्रकृतरे जेते बेले वायु प्रवाह होइथाय वायुर घर्षण घर्षण सागर सहित बा सागरर पृष्ठ सह होइथाय फलरे समुद्र जलरे भांग पड़ी जाए ताहाकु ही तरंग कुहा जाए जहाँ आमे साधारणत बा साधारण भाषा रे ढेउ कहंती। समुद्र पृष्ठर गोटे परे गोटे ढेउ कूल आड़क माड़ी आसुथिबार देखा जाए। माड़ी आसुथिबा प्रत्येक ढेउ बेलाभूमि रे बाधा पाई पछकु फेरी जाए। समुद्र कूल रे तरंगर गति आगकु ओ पछकु हेउथिया बेले कूलठारु किछि दूर रे माने समुद्र भितर बक्ष रे एहार गति उपरकु ओ तळकु होइथाय।
तरंगर उच्चतम अंश को शीर्ष और तरंगर निम्नतम अंश को पाद कहुए पखापाखि अवस्थित दुईटी तरंग शीर्ष किंबा तरंग पादर मध्यवर्ती व्यवधान को तरंग दैर्घ्य कहुए तरंग पाद ठारु तरंगर शीर्ष पर्यंत उच्चता को तरंगर उच्चता कहुए तो केतेक समय समुद्र पृष्ठरे हेउथिबा झड़ बात्य जगु विशालकाय तरंग मान सृष्टि होइथाय एहा समुद्र उपरे वायुचाप कम हेले एपरी झड़ बात्या संगठित होइथाय कारण वायुचाप कमी जिबा फलरे अन्य अंचल आड़ु सेठाकु वायु आसीथाय फलरे एमिति बड़ बड़ तरंग मान सृष्टि होइथाय बेले बेले महासागर निम्नस्थ भूभाग अभ्यंतरें भूमिकंप सृष्टि हेले समुद्रर जलराशि कंपन जात होइथाय एहार प्रभाव में समुद्र में विराट विराट तरंग मान सृष्टि हुए एपरी भाव सृष्टि होता समुद्र तरंग को जापानी भाषा सुनामी कहुए साधारणतः सुनामी तरंगर उच्चता 15 मीटर होता है जदि भूमिकंपर तीव्रता अधिक होते ढेर उच्चता 150 मीटर पर्यंत बढ़ी जाए यह ढे घंटा प्रति प्राय 700 किलोमीटर बेगरे उपकूल अंचल आड़ को माड़ी आसी थाए एहा जगु उपकूलवर्ती अंचल रे बात्या होई बहुत परिमाणर क्षय क्षति घटी थाए गोटे इम्पोर्टेंट कथा जानिबा आपण माने जानी छंती कि 2004 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारीख रे एक सामुद्रिक विपर्यय माने सुनामी भारत महासागर रे सृष्टि होई भारतर उपकूल अंचल रे तथा अंडामान ओ निकोबर द्वीपपुंज रे अनेक क्षय क्षति घटाइथिला एहा सुमात्रा द्वीप रे सृष्टि होइथिला एवं एहार बेग घंटा को प्राय 800 किलोमीटर होइथिला एही सुनामी कूल आड़ को आसीबा पूर्वरु प्रथमे एहार समुद्र पाणी कूल ठारु समुद्र भितरे किछि बाट पर्यंत हटि जाइथिला माने खुंची जाइथिला एपरी एक आश्चर्य घटना को देखिबा पाई बहुत लोक जमा हो जाइथिले मात्र किसी समय पर सेठारे ढेउ अति भयंकर बेगरे कूल आड़ को माड़ी आसीथिला ओ सेठारे थिबा अधा लोक को भसाई नेइथिला पाखापाखि 10,000 रु अधिक लोक मरी हजि जाइथिले जुआर कण आमे जानिबा समस्त महाजागतिक पिंड माने सूर्य चंद्र नक्षत्र इत्यादि परस्पर को आकर्षण करिथांती एही आकर्षण रो मात्रा सेमानंकर ओजन ओ परस्पर ठारु दूरता उपरे निर्भर करिथाय सूर्य ओ चंद्रक आकर्षण जगु पृथ्वीर कठिन भूभाग तुलना रे जलभाग अधिक आकर्षित होइथाय फलरे महासागर जलस्तर सामयिक भाबे फुली उठे अन्य समय रे जलस्तर खसी जिबा जगु समुद्र पक्ष को घुंचिला भली लागे एही परि जो समुद्र जल पतनर नियमित उत्थान ओ पतन लागि रही थाए समुद्र जलर एही परि ऊपर को उठिबा माने उत्थान को जुआर कहा जाए पतन को माने पड़ीबा को भट्टा कहा जाए तो चलंतु जुआर ओ भट्टा विषय रे अधिक जानिबा सागर ओ महासागर रो बक्ष रे प्रतिदिन नियमित 2 थर लेखाएं जुआर ओ भट्टा होइथाए सूर्य ओ चंद्र उभय सेमानक महाकर्षण शक्ति बलरे पृथ्वी उपरे थिबा समस्त पदार्थ को सर्वदा आकर्षण करिथांती किंतु सूर्य पृथ्वीर बहुत दूर रे थिबारु चंद्रर आकर्षण शक्ति सूर्यर आकर्षण शक्ति तुलना रे अधिक होइथाए अर्थात चंद्र पृथ्वीर अति निकट रे थिबारु एहार आकर्षण बल समुद्र रे जुआर सृष्टि कराइबारे मुख्य कारण होइथाए माने मुख्यतः चंद्रर आकर्षण पाई जुआर सृष्टि होइथाए पृथ्वी जेतेबेले आवर्तन करे आवर्तन समय रे पृथ्वीर जेउ अंश चंद्रर सम्मुखीन हुए माने सामना पटरे थाए सेठारे थिबा जलराशि चंद्रर आकर्षण फलरे फुली उठे फलरे जुआर सृष्टि होइथाए चंद्रर आकर्षण सीधा सळक समुद्र उपरे पड़िथाए एवं जुआर सृष्टि हेउथिबारु
ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଆର କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ଏତେଟା ନଥାଏ। ତେବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠର କଠିନ ଅଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଜଳଭାଗ ଓ କଠିନ ଭୂଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ମାନେ ଖାଲି ଜାଗାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳରାଶି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଫୀତ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ହେଉନଥିବାରୁ ଏପରି ଜୁଆରକୁ ପରୋକ୍ଷ ଜୁଆର କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଜୁଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଥିବା ସାଗର ଓ ମହାସାଗରରେ ଜଳପତନ ହ୍ରାସ ପାଇ ମାନେ କମିଯାଇ ଭଟ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମିଶିକି ମାନେ ଏକା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ସେହି ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଜୁଆର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଝିରେ ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ଜୁଆରକୁ ଗୁରୁଜୁଆର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରାୟ ସମକୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥାଏ। ଜୁଆରର ମାତ୍ରା ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଭଳି ଅଧିକ ନ ହୋଇ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଜୁଆରକୁ ଲଘୁ ଜୁଆର କୁହାଯାଏ। ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଛ ଧରା ତଥା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି, ଦେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।